हमारा पॉइंट है सक्सेसफुल मंत्र फॉर क्वालिफाइंग नेट एग्जाम। अगर हमको नेट में क्वालिफाई होना है तो क्या क्या बातें हमको करनी है, तो आज हम ये सेकंड कंसेप्ट करने वाले हैं सक्सेस मंत्र। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके ये वीडियो पूरा अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवांटेज हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं सक्सेसफुल मंत्र। सबसे पहला पॉइंट है अपडेट योरसेल्फ। भाई आप अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे? आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए या तो आप रोज न्यूज देखिए। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आज हमारे देश में चेंजेस होते जा रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, एटसेट्रा। तो पहला पॉइंट है अपडेट योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट है पीडी, दैट इज प्रतियोगिता दर्पण। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है विच आर गोइंग टू बी इशूड बाय और विच इज गोइंग इशूड बाय उपकार पब्लिकेशन। ये मैगजीन आपको डायरेक्टली उपकार पब्लिकेशन से भी मिल सकती है, या फिर आप रेलवे में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं वहां से भी आप ले सकते हो। इससे आपको नई नई आइडियाज, नए नए थॉट्स, और हमारे देश में क्या क्या हो रहा है मंथली अपडेट होते रहते। प्रतियोगिता दर्पण। देन रीड ऑल एट वन, ऑल एट टाइम। रीड ऑल एट टाइम का मतलब होता है कंटिन्यू रीड कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आधा घंटा आप अभी रीड करोगे, आधा घंटा बाद में रीड करोगे। नहीं, आपको डेली, मैंने कहा 2 आवर्स पढ़ने हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, नहीं। आप चाहे तो सिर्फ 2 घंटा पढ़िए चलेगा, बट कंटिन्यू। देन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज और क्लासेस। आज कंपटीशन का जमाना है, आपको पता होना चाहिए कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स नेट सेट देते हैं, तो आप भी उनमें से एक हैं। तो यही मेरा सजेशन है, या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए या तो कोई क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। जो भी आप डेली पढ़ते हो उसका डेली रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं हो गया तो बात खत्म, नहीं। रिवीजन बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, रिवीजन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचर आपको कितना भी पढ़ाए, सेल्फ स्टडी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रेशो होता है 80:20, यानी 20% टीचर आपको हेल्प करेगा, 80% आप अपने आप को हेल्प करोगे बाय डूइंग सेल्फ स्टडी। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है डू द जॉब ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जॉब करिए, किसी क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, सैटरडे संडे को पढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपको अपडेट नॉलेज मिलते जाएगा, क्योंकि टीचिंग का मतलब होता है ट्वाइस लर्निंग। तो आप कोई टीचिंग कोर्स, यानी जहां पे टीचिंग है, कोई क्लासेस है, कोई कॉलेज है या नाइट कॉलेज है, आप वो ज्वाइन कीजिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स हैं जो आपको करनी है नेट सेट क्लियर करने के लिए। याद रखिए, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी। ये तो था सक्सेस मंत्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे बहुत सारे लोगों को एडवांटेज मिलेगा। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको 2-3 बार बोला है, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो लेक्चर्स 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, 0 सब्सक्राइबर थे। मुझे खुशी है कि 300 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गए। मैं चाहता हूं हजारों हजारों सब्सक्राइबर हो जाए और
बहुत सारे लोगों को एडवांटेज मिले इस पूरे वीडियो लेक्चर से, यही मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और यही मेरे लिए मेरा प्रॉफिट है। थैंक यू।